एक बड़ी खबर मिल रही है गाजियाबाद से, जहां एक ही घर में 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि पति पत्नी और बच्चों के शव मिले हैं। बच्चों की हत्या के बाद दंपति की खुदकुशी की आशंका यहां पर जताई जा रही है। बता दें कि मामला साहिबाबाद थाना इलाके के अर्थला की घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद का मामला, जहां पर एक घर से परिवार के 4 सदस्यों के जो शव हैं वो वहां से बरामद किए गए हैं। फिलहाल जिस तरह की आशंका है उसमें कहा जा रहा है कि पहले बच्चों की हत्या की गई और उसके बाद दंपति ने भी खुदकुशी कर ली। तो पुलिस मौके पर मौजूद है और लगातार जांच कर रही है कि आखिरकार वाकया ये है क्या, इस पूरे मामले को लेकर आखिरकार तमाम बिंदुओं को लेकर पुलिस जो है जांच कर रही है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इलाके में किस तरह से माहौल जो है वो गरमाया हुआ है, सनसनी इलाके में फैली हुई है, क्योंकि एक ही घर से 4 लोगों के शव, जो कि एक पूरा परिवार है, 2 बच्चे बताए जा रहे हैं और एक दंपति का शव यहां से बरामद हुआ है। और ऐसी आशंका कि दंपति ने पहले अपने बच्चों को मौत के घाट उतारा और फिर खुदकुशी कर ली। थाना साहिबाबाद क्षेत्र में संजय कॉलोनी पड़ती है, यहाँ पे धीरज त्यागी नाम के एक व्यक्ति यहाँ किराए पे रहते थे जी। आज वो, उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं, मृत अवस्था में यहाँ पाए गए हैं। तो मौके पे पुलिस है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है और जांच की जा रही है, जांच के बाद ही तथ्यों का निष्कर्ष। तो गाजियाबाद का मामला और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल चौधरी यहाँ पर जुड़ गए हैं। अनिल, अभी शुरुआती जो जांच चल रही है, पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ जानकारी इसमें हासिल हो पाई है? देखिए, पूरा मामला जो है साहिबा थाना क्षेत्र का है, अर्थला का, जहां पर पति पति द्वारा ही अपने 2 बच्चों की जो बच्चों की लाश यहाँ मिली है और पत्नी की भी लाश यहाँ मिली है। अंदर आशंका यही जताई जा रही है कहीं ना कहीं जो पति है उसने फिर बाद में आत्महत्या की है, ऐसा भी ये भी आशंका लगाई जा रही है कि पति ने खुद अपने बच्चों की हत्या की है और पत्नी जैसे की है, जिसमें एक सुसाइड लेटर भी सामने आया। अभी हालांकि पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है, कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी जी। लेकिन अनिल, हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार वाकया क्या हो सकता है, क्योंकि कई तरह की चीजें हैं जब एक परिवार इस तरह का कदम कोई उठाता है। क्या कोई आर्थिक तंगी या कोई आंतरिक कलह बताई जा रही है, क्योंकि स्थानीय लोग भी हैं, उनसे कुछ बातचीत हो पाई है या फिर परिजनों से उनकी कोई बातचीत हो पाई है, इस तरह की अहम जानकारी हासिल लग पाई हो? देखिए, मैं मौके पे हूँ, हालांकि पुलिस से ही मैंने बात की तो पुलिस भी अभी कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि इस तरीके की घटना हुई है और अभी हम आत्महत्या नहीं बता सकते हैं, तो कुछ ऐसे सबूत अभी नहीं मिले। हालांकि जो पुलिस ने कुछ अहम सबूत भी इसमें लगे हैं, हालांकि जो बता रही है पुलिस अपने कब्जे में जो सबूतों को ले लिया है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चलिए, अब नजर आप बनाए रखिएगा अनिल, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका।